नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बिजनेस की कुछ बातें लेकर। लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि बिजनेस के साथ साथ एडवेंचर किया जाए, साथ में कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताया जाए जो आपके पैशन को रिलेट करें। और आज जिस बिजनेस को लेकर मैं आई हूँ वो है कैंपिंग का बिजनेस। इन दिनों बहुत चीज़ें बदली हैं, हमें पता है कि कोरोना के दौरान कई ऐसे बिजनेस ठप पड़ गए हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं इस जगह पर आई हूँ, पालमपुर से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है बीड़, तो उस जगह में कैंपिंग के लिए अभी भी लोग आ रहे हैं। वजह यह है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है, लेकिन कैंपिंग की खास बात यह है कि आप अपना टेंट लेकर आ सकते हैं। इस बिज़नेस के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपको किस तरह के वीडियोज़ और पसंद हैं बिजनेस को लेकर, ताकि हम आपके सामने लेकर आए। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ उस कैंप का नाम है निर्वाणा कैंप। मेरे साथ इस कैंप के ओनर अपरम बैठे हैं, और अपरम मेरे ख्याल में साथ में पार्टनरशिप है आपकी, है ना? हाँ, पार्टनरशिप है। तो अपरम से जानेंगे कि इस कैंप को शुरू करने में कितना टाइम लगा, कब कितना इन्वेस्ट किया, कब प्रॉफिट आना शुरू हुआ, और क्योंकि ये ऐसा काल है जब हर इंडस्ट्री ठप पड़ी है, ऐसे में क्या कैंपिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कब आपने ये कैंपिंग का बिजनेस शुरू किया था? इस कैंपिंग को शुरू हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हुए हैं अभी। कितना इन्वेस्ट किया था यहाँ पे सेटअप को? जो हम बेसिक टेंट्स लाए हैं या फिर हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ें लगाई हैं थोड़ा एलोर करने के लिए, वो उस सब को कॉस्टिंग अराउंड 1.5 लाख 1.5-2 लाख के बीच में पड़ा था कॉस्टिंग। कितने महीनों में आपने इन्वेस्ट किया, कितने महीने में प्रॉफिट आने लगा? सीजनली चलता है यहाँ पे सिस्टम, जैसे आपका मई टू अक्टूबर यहाँ पे सीजन रहता है, उस टाइम पे आपकी पैराग्लाइडिंग भी होती है और साथ बाय साथ लोग कैंपिंग भी कर लेते हैं रात को। तो यहाँ पे एवरेज 1-1.5 महीने में आप अपना इन्वेस्टमेंट कवर कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि मैंने देखा कि आपने सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी लगाई हैं जिसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है लोगों को अट्रैक्ट, मतलब बिजनेस को फैलाने में। जी बिल्कुल, एक आपके पास एक सोसाइटी से या आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई कुछ हटके होगा तो लोग ज़रूर आएंगे। जैसे अब हम यहाँ पे वाइन या बियर की बॉटल लोग फेंक जाते हैं, हम वो उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद चील के जो नेचर से जो भी जो हमें गिफ्ट्स मिल सकते हैं उन सब गिफ्ट्स को हम यूज़ करके यहाँ पे हम अपने कैंप साइट को और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम और लोग आएँ और उसको अप्रिशिएट करें। पीक सीज़न में यहाँ पे अगर हम 100% में से अगर हमारा 30% हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो उसका 70% हमें इनफेक्ट प्रॉफिट हो जाता है। अगर सपोज़ अगर हमने पूरे एक सीज़न में 1 लाख रुपए लगाया, तो वो उसका हमें 20-30 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आएगा, बाकी 70,000 हमें प्रॉफिट होगा। एक दिन का यहाँ पे बेसिक कॉस्टिंग हमारी 700 से 1,000 के बीच में रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए, कितने टाइम का खाना चाहिए। हम सब दोस्त ही हैं, तो दोस्त लोग, हम 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं मार्केटिंग करता हूँ, कैंप साइट पे ऑपरेशंस के लिए लोग बैठते हैं, फिर एक हमारे पायलट फ्रेंड हैं जो अभी फ्लाइंग के लिए गए हुए हैं पैराग्लाइडिंग करने, तो हम सब मिल बांट के ही काम कर रहे हैं, सैलरी भी आपस में डिवाइड होती है। यानी कि अगर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके कुछ दोस्त हैं वो भी इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं और इंटरेस्ट है उनको इस तरह की ट्रैकिंग का या फिर एडवेंचर का, तो आपके दोस्त भी इकट्ठा होकर ये बिजनेस कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना शेयर कर सकते हैं। कैंप साइट के लिए प्रॉपर एज अ लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। अगर ये हम सरकारी लैंड को लीज पे लें या फिर हम अगर किसी और बंदे से लीज पे लें, तो हमें टूरिज्म से अप्रूव कराने पड़ते हैं अपने टेंट्स, जितने टेंट्स हम लगाएंगे उस पॉइंट पे, और एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी कैंप साइट के लिए, जो टूरिज्म ऑफिस से ही मिलेगी जी। और कोई एज बार नहीं है, कोई भी खोल सकता है? कोई एज बार नहीं है। आप अगर किसी के पास पैसे हैं और वो 15 साल का, तो 15 साल का भी कैंपिंग खोल सकता है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी जगहों के शौकीन हैं, पहाड़ी इलाका या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप शांति चाहते हैं, तो आप इस तरह की जगहों पर आकर, इस तरह के कैंप्स में रहकर जाहिर तौर पर सुकून महसूस करें। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।